Now, solution number 8. Given a non-empty set X, consider PX, which is the set of all subsets of X. Define the relation R in PX as follows. For subset A, B is PX, A related to B if and only if A subject to B. Then R is a equivalence relation. Justify your answer. For reflection के लिए A subset to B such that every set is subset of itself. That means it is reflexive. Symmetric relation. If A is the subset of B, A B का subset है, but it is not necessary B is the subset of A. यदि A B का subset है तो ये जरूरी नहीं है कि B भी A का subset है. तो नॉट सिमेट्रिक. यदि ये सिमेट्रिक नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा. नाउ ट्रांसिटिव रिलेशन. इफ ए सबसेट टू बी एंड बी सबसेट टू सी. ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है. दैट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ सी. It is transitive relation. Please make it. Now solution number 10. Find the number of onto function itself. Solution number 10. F such that A to E. तो n बराबर कितना हो गया 1 2 3 4 एंड सो एंड n. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसके अंदर n. तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन सच दैट f a टू e इज इक्वल टू n टू n इज इक्वल टू कितना हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n. ये सॉल्यूशन नंबर 10 है. अब सॉल्यूशन नंबर 11. h सेट दिया है, t सेट दिया है, f इनवर्स बताना है. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में f क्या दिया हुआ है a3 b2 C1, that means F A की वैल्यू 3, F B is image 2 और F C की image 1. Every element in set F, every element in F has its image in S. A different image. Different. It is 1-1 function. Clear? अब range of T. 1 की pre-image A है, 2 की pre-image B है और sorry. यहाँ पर जो है 3 की प्री इमेज ए है, 2 की प्री इमेज बी है और 1 की प्री इमेज सी है. तो एवरी एलिमेंट इन फंक्शन है इट्स प्री इमेज
such that range is equal to O down here. It means F is invertible function. जो हमारा ये फंक्शन है इनवर्टेबल फंक्शन क्योंकि वन वन ऑन टू है यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन दैट मींस एफ इनवर्स क्या हो जाएगा रिवर्स कर देंगे इसे थ्री ए टू बी वन सी. नाउ सेकंड पॉइंट हम अगर यहाँ पर ध्यान देखें ध्यान से देखें इस फंक्शन में अगर हम ध्यान से देखें कि एफ बी इज इक्वल टू वन और एफ सी इज इक्वल टू वन बी एंड सी बोथ है सेम इमेज इट मींस इट इज नॉट वन वन फंक्शन. इसीलिए इसका इनवर्स नॉट फाइंड इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं है. प्लीज लुक इट नाउ सॉल्यूशन नंबर 15 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डोमेन क्या है एफ माइनस वन रखेंगे माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस वन इज इक्वल टू टू एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो एफ वन इज इक्वल टू वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एफ टू इज इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू टू. नाउ जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस हाफ माइनस वन जी माइनस वन टू माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन तो टू इंटू कितना हो जाएगा ये थ्री अपॉन टू माइनस वन इसलिए कैंसिल इज इक्वल टू टू जी जीरो की वैल्यू क्या होगी टू मॉडुलस जीरो माइनस वन बाई टू माइनस वन तो टू इंटू वन बाई टू क्योंकि माइनस वन की वैल्यू प्लस में हो जाएगी माइनस हाफ की माइनस वन दिस इज कैंसिल जीरो जी वन की वैल्यू टू वन माइनस वन बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू टू इंटू वन बाई टू माइनस वन दिस इज कैंसिल जीरो और जी टू की वैल्यू हो जाएगी टू टू माइनस वन बाई टू माइनस वन ये हो जाएगा टू इंटू थ्री बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू ध्यान से देखिए एफ माइनस वन की वैल्यू जी माइनस वन के बराबर है एफ जीरो की वैल्यू जी जीरो के बराबर है एफ वन की वैल्यू जी वन के इक्वल है और एफ टू की वैल्यू जी टू के इक्वल है. इट मीन्स एफ एंड जी इक्वल. नाउ सॉल्यूशन नंबर 16 Let A is equal to 1, 2, 3, then number of relation containing 1, 2 and 1, 3, which are reflexive, symmetric, but not transitive. वही कह रहा कि हम कितने element इसमें add करें कि ये reflexive हो जाए, symmetric हो जाए, but transitive ना हो. So please, इस question को आप खुद करेंगे, B, I, T. Now, question number 17. Let A is equal to 1, 2, 3, then number of equivalence relation containing. 1, 2 में हम कितने equivalence relation
कंटेन करें, कितने इक्विवेलेंस है, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए कितने एलिमेंट हम उसमें ऐड करें, तो उसे भी आप डीआईपी डू इट्स प्रैक्टिस। सॉल्यूशन नंबर 18, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन 0 and g such that r to r be the greatest integer function given by gx is equal to f. x is greatest integer less than or equal to x, then does fog and gough coincident. So it is also dip. And last question, number of binary operation, it is also dip. बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दो एलिमेंट हैं और a by a यानी 2 by 2 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, नंबर ऑफ n की पावर n a इनटू n। सो दीज क्वेश्चंस आर dip एंड राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स प्लीज। लेट इट प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसमें जो टॉपिक या क्वेश्चन आपके बोर्ड के सिलेबस से हटा दिए गए हैं वे क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनली नंबर या पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर उन क्वेश्चनों को भेजकर डिस्कस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट बनाकर सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट में सेंड कर दिया गया है। आप सभी बच्चे जो टॉपिक आपके छूट गए हैं या वीडियो नहीं देख पाए हैं या लाइव नहीं देख पाए हैं वे उन वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को वीडियो सेंड करें ताकि ऐसे समय में सभी का भला हो सके। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और आपका प्यार मिलता रहे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट व्हाट आई हैव टॉट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।